सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आशीष नेगी एंड यू वाचिंग टेक्टम टेक्नोलॉजी। सो आज हम बात करेंगे हार्ड ड्राइव के बारे में। तो पहले ये क्लिप देखिए कि मैं आपको किस हार्ड ड्राइव ग्लिच के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले ही आप ये क्लिप देखिए, फिर आप समझेंगे कि मैं किस ग्लिच की बात कर रहा हूँ जो हार्ड ड्राइव में आता है। सो गाइस, एज यू कैन सी कि हमारे हार्ड ड्राइव में क्या प्रॉब्लम आई। इस तरह की प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी हार्ड ड्राइव कहीं काम करते हुए गिर जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है। ऑल ऑफ द सडन लाइट गई तो एकदम सिस्टम शटडाउन होता है। तो इस तरह के किसी भी तरह के हल्के से झटके की वजह से इस तरह की सिचुएशन आती है। सो बेसिकली हार्ड ड्राइव हमारे हमारे बिजनेस के लिए या हमारे किसी भी काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें हमारा डाटा पड़ा रहता है। सो इस डाटा को हम कैसे तो इस हार्ड ड्राइव को हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, इस वीडियो सो इस जो ये जो क्लिप थी, इस क्लिप में हमने देखा कि जो उसका प्लेटर है, प्लेटर कहते हैं उस डिस्क को जो कि केस के अंदर रखी हुई थी, और उसके ऊपर जो था उसको हम बोलते हैं हेडर। तो हेडर प्लेटर में से हट गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी वो टिक। और जब ऐसा होता है तो फिर टिक टिक की साउंड आती है, घड़ी घड़ी की तरह। तो इस सिचुएशन हम कैसे बच सकते हैं, आज हम इसी सिचुएशन और तो आज हम अपनी हार्ड ड्राइव को रिपेयर करेंगे ताकि हमारा डेटा ना जाए कहीं भी। तो शुरू करते हैं हम अपनी रिपेयरिंग। सो गाइज, आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी क्वेरी मुझे नीचे कमेंट में बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।